जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप जो मेरे पीछे ऑटो देख रहे हो ना, ये ऑटो है बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा होने वाला है। और आज मैं इस ऑटो का काफी रिव्यू कराने वाला हूँ आप लोगों को। इस ऑटो के हर एक एक चीज बताऊंगा कि ये ऑटो आपको कितना खर्चा रहेगा इस ऑटो को मैं आपको लेकर, इस ऑटो की हर एक एक चीज की ये कितने घंटे में चार्ज हो जाता है, एक एक चार्जिंग में ये कितने किलोमीटर तक चल सकता है, इसका टायर साइज क्या है और काफी कुछ जानकारी आज मैं ऑटो की देने वाला हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये ऑटो है बजाज का RE इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा होने वाला है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस, यानी काफी मतलब ये जो कलर आप जो देख रहे हो ना, हल्का स्काई ब्लू कलर सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑटो रिक्शा है। और इससे जो सामने की लुक है ना, काफी शानदार बनाई है कंपनी ने। और इसके अगर आगे की शॉकर की बात करें ना, तो काफ़ी हैवी शॉकर दिया कंपनी ने। मतलब आप देख सकते हैं डबल, और टायर का जो साइज भी है ना, काफ़ी हैवी और मोटा टायर दे दिया है, जो कि है ना पूरे 12 इंच का टायर होने वाला। काफ़ी बड़ा टायर है ये 12 इंच का। और इसका जो लुक है, लुक भी काफ़ी शानदार है। और कंपनी ने यहाँ पे है ना साइड में इंडिकेटर और हेडलाइट और ऊपर एक वाइपर लगा दिया है, जो कि लुक में भी काफ़ी शानदार है। और यहाँ का मैं अंदर का परफॉर्मेंस डैशबोर्ड दिखा देता हूँ मैं यहाँ का, जो कि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए भी है ना कंपनी ने, स्पीकर लगाने के लिए भी काफ़ी जगह दे दी है दोनों साइड में। और यहाँ से अब हमने चाबी ऑन कर दी, और चाबी ऑन करने के बाद यहाँ पर ये दिखा देगा गाड़ी की बैटरी परसेंटेज, दिखाएगा ये कि गाड़ी के अंदर कितनी बैटरी है। और यहाँ पर ये दिखाएगा बैक गाड़ी की स्पीड, और यहाँ पे ये दिखा रहा है न्यूट्रल। और ये अच्छा है ना, सारी स्पीड और बैक गियर और न्यूट्रल आप कुछ एक हाथ पे दे दिया है। और यहाँ पे दे दिया है गाड़ी का हॉर्न, और यहाँ पे ये साइड के इंडिकेटर दे दिए यहाँ पे कंपनी को, और यहाँ पे ये बाप बैटरी की पावर, हाँ किलोमीटर। देखो जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा यहाँ से पावर चेक करने के लिए, और यहाँ पे ये डिस्प्ले पे आपको ये शो करेगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे बटन दबाते ही ये शो करता है ये। और यहाँ से आप गाड़ी का वाइपर, और ये यहाँ पे हो गया हेडलाइट, यहाँ से हेडलाइट। और यहाँ पर हो गया ये कंपनी ने ना पार्किंग लाइट का बटन दे दिया, ये एक्स्ट्रा बटन है अगर कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाना चाहते हो। और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे है ना, ये मोबाइल चार्ज के लिए भी यहाँ पे एक सॉकेट दे दिया कंपनी ने, ये यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो और आराम से इजीली अपना मोबाइल यहाँ पर साइड में रख सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अपना मोबाइल आप यहाँ पे भी फंसा सकते हो, आराम से यहाँ सामने लगा सकते हो। बजाज ने है ना ड्राइवर, जैसे अगर आपको लोकेशन वगैरह देखने के लिए अगर आप मोबाइल सामने रखना चाहते हो, तो यहाँ पे आराम से इजीली अपना मोबाइल फिट हो जाएगा, जो कि काफ़ी बेनिफिट रहने वाला। और यहाँ पे आप है ना अपने पैसे या ज़रूरत की कुछ भी कागज़ वगैरह गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ इस जगह में आप स्टोरेज कर सकते हो। और कंपनी ने यहाँ पे दे दिया दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक, ये यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। और यहाँ से दोस्तों आप बोतल कैरी कर सकते हो यहाँ से साइड से। और दोस्तों हैंड ब्रेक के लिए यहाँ पे ये यहाँ दे दिया जगह, यहाँ से आप गाड़ी के हैंड ब्रेक लगा सकते हो इस जगह से, यहाँ से ये हैंड ब्रेक के लिए जगह दे दिया। और दोस्तों अब अच्छा दोस्तों यहाँ पर गाड़ी की जो स्टेपनी है ना यहाँ पे पीछे दे दी है, यहाँ से हम ये खोलेंगे और गाड़ी की स्टेपनी पीछे लगा दी है। और यहाँ पे गाड़ी की कुछ जैसे चार्जर है यहाँ पे इस बैग में दे दिया है स्टेपनी के ऊपर, और यहाँ पे दे दिया कंपनी ने साइड में जैक फिट कर दिया है। और बात करते हैं इसके नीचे के शॉकर सस्पेंशन की बात, तो कंपनी ने यहाँ पर कोई भी कमानी पटे का यूज नहीं किया, जो कि सीपी साफ का सिस्टम दिया है। मतलब यहाँ पे सस्पेंशन वाला सिस्टम है, जो कि कार वगैरह में जो सिस्टम आता है, जो कि काफ़ी मतलब आरामदायक रहने वाला है। मतलब आप गड्ढे गुड्ढे जो भी चीज़ है, मतलब आपको धचकी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और ये सारा सिस्टम है यहाँ पे कंपनी का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम गाड़ी के लगे हुए हैं, जो भी जैसे इसके कंट्रोलर वगैरह जो भी है तो सब कुछ। और इसकी बैटरी की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने बैटरी लगा दी है इस ड्राइवर सीट के नीचे, जो आप देख रहे हैं ड्राइवर सीट के नीचे इस इलेक्ट्रिक ऑटो की बैटरी होने वाली है। जो बैटरी है वो यहाँ पे लगा दी है ड्राइवर सीट के नीचे। दोस्तों
चार्जर, अगर आपको जैसे गाड़ी चार्जर लगानी है तो गाड़ी का चार्जर सिस्टम के लिए ना कंपनी ने यहाँ पे दे दिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है चार्जिंग पॉइंट के सामने, यहाँ से ये भाई ने ढक्कन निकाल दिया और यहाँ से आप चार्जिंग लगा सकते हो। और जो भाई ये कह रहे थे ना कि पानी जाने का डर रह जाएगा, भाई बिल्कुल नीचे से खाली है, बिल्कुल आप देख सकते हो पानी कैसे भरेगा इस चार्जर में, करंट लगने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये नीचे से पूरा खाली है। मैंने नीचे से हाथ दिखा दिया, बिल्कुल भी मतलब नीचे से पूरा ये खाली होने वाला, मतलब सेफ है काफ़ी पानी वगैरह का। अच्छा ये, और दोस्तों कंपनी ने ना पूरी जो बॉडी है ना इस ऑटो रिक्शा की फुल मेटल बॉडी के अंदर बनाई है, लेकिन कंपनी ने ना बस इसके जो साइड वाले जो मदगार्ड है ना ये प्लास्टिक के दे दिए हैं। ये वाले, ये जो आप मदगार्ड देख रहे हैं ये प्लास्टिक के होने वाले, लेकिन बाकी की सारी सब कुछ इसके अंदर खिड़की सब कुछ इसके अंदर है ना मेटल बॉडी में होने वाला है। और डैशबोर्ड तो काफ़ी शानदार बनाया है। अगर सीटिंग की बात करें तो इसमें आप पीछे चार पैसेंजर आप पीछे बिठा सकते हो और तीन पैसेंजर आप आगे बिठा सकते हो, जो कि आपको अलग से आपको सीट लगवानी पड़ेगी, जो कि RTO कराने के बाद ये सारा सब कुछ काम बाद में होता है। और बूट स्पेस की बात करें तो आप काफ़ी सामान आप इसके पीछे भी रख सकते हो, काफ़ी स्पेस दे दी है। और यदि इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी इसमें ETEC 9.0 यानी 9 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी होने वाली है। और यदि इसके माइलेज की और स्पीड की बात करें तो आप इसको 55 की स्पीड तक आप इसको आराम से इजीली दौड़ा सकते हो, यानी कि 55 की स्पीड तक आप इस ऑटो रिक्शा को ले जा सकते हो। और इसकी अगर चार्जिंग की बात करें तो तकरीबन 3.5 से 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है ये ऑटो रिक्शा, और जो कि एक चार्जिंग में आपको माइलेज देगा ये ऑटो रिक्शा 178 किलोमीटर, यानी कि आप 178 किलोमीटर तक आप इस इलेक्ट्रिक ऑटो को ले जा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस के हिसाब से बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। तो दोस्तों आपको ये बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो कैसा लगा आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।